इंदौर में 2 दिन पूर्व कांग्रेसियों द्वारा डीआईजी ऑफिस का घेराव करना कांग्रेस पर ही भारी पड़ गया, जिसके बाद आज छोटी ग्वालटोली थाने पर जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, 2 विधायकों व अन्य 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की। दरअसल पूरा मामला इंदौर के डीआईजी ऑफिस का है, जहां 2 दिन पूर्व डीआईजी ऑफिस का घेराव करने बड़ी संख्या में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव व 200 से अधिक कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सावर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में लगातार पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। वहीं लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस में काफी रोष है। वहीं कांग्रेसियों पर हो रहे झूठे मुकदमे दर्ज का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी DIG ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की हॉट टॉक भी हुई। फिलहाल पुलिस ने उस समय कांग्रेसजनों को आश्वासन देकर लुटा दिया। अब पुलिस द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी व विधायक संजय शुक्ला सहित 3 विधायक की छोटी ग्वालटोली पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद साथ ही 200 अन्य लोगों को भी सह आरोपी बनाया गया। दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को लसुड़िया के किसी प्रकरण में कांग्रेस के पदाधिकारी, जिसमें पूर्व मंत्री श्री जीतू पटवारी जी, विधायक श्री संजय शुक्ला, श्री विशाल पटेल, सह अध्यक्ष श्री विनय वाकलेवाल, सदाशिव यादव जी और कांग्रेस के सावेर विधानसभा के प्रत्याशी श्री प्रेमचंद गुड्डू तथा अन्य कांग्रेस के मुख्य पदाधिकारी अपने करीब 200 फॉलोअर्स के साथ में DIG महोदय के मुख्य द्वार पर आकर उक्त कार्रवाई को के विरोध में धरना प्रदर्शन किए थे। क्योंकि कलेक्टर महोदय द्वारा 16 अक्टूबर को गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में जो निर्देश हैं, उसके अनुपालन में धारा 144 लागू की गई है, जिसमें इस बात को उल्लेखित किया गया है कि वर्तमान में कोरोना संकट को देखते हुए 100 से अधिक किसी भी स्थान पर, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, यदि बिना अनुमति के 100 से अधिक लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो वो धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा और इसके जो 188 IPC के तहत दंडनीय होगा। तो इसमें उक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध में धारा 188 IPC और संक्रमण के फैलाव के लिए ये लोग, चूँकि संक्रमण कोरोना संक्रमण के मापदंड का उल्लंघन इन लोगों द्वारा, ना तो मास्क, बहुत सारे लोगों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था, तो धारा 269 IPC 188 के साथ में तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत कार्रवाई की गई है। क्या किसी तरह की गिरफ्तारी किसी की? इसमें चूंकि कल रात में प्रकरण दर्ज हुआ है, अब आगे विवेचना के उपरांत में इनके विरुद्ध गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब